आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की, उसमें जो हम वस्त्र का चयन करते हैं उसमें हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं या किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब हम किसी भी वस्त्र को ख़रीदते हैं तो उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वर्तमान समय में कृत्रिम और मानव निर्मित तंतुओं का आविष्कार परिधान और तंतु विज्ञान में क्रांति लाने वाला एक उत्तेजक तत्व है। यानी कि जो आज के समय में कृत्रिम और मानव निर्मित तंतुओं का आविष्कार परिधान और जो हमारा फाइबर होता है तंतु विज्ञान में क्रांति लाने वाला तत्व है, क्योंकि देखिए जो पहले टाइम पे हमारे फाइबर्स होते थे वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते थे, लेकिन जो इनकी जो सोर्सेस थी वो प्राकृतिक रूप से थी, यानी कि पेड़ पौधे पत्तियाँ पेड़ों की छाल ये होती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से तकनीकी विकास हुआ, यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी, उसी के साथ साथ जो हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में भी एक तरीके से कह सकते हैं फाइबर्स में भी बहुत ज़्यादा विकास किया जाने लगा। यानी कि पहले प्राकृतिक फाइबर्स होते थे जो कि आज के टाइम में हमारे कृत्रिम यानी कि जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बनाए जाने लगे, और जो मैन मेड फाइबर यानी जो हमारे मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो इन्हीं तंतुओं के कारण परिवारों के सामने अधिक मात्रा और कई प्रकार से प्रदान उपलब्ध रहते हैं। यानी कि जो हमारे पहले सोर्सेस थे फाइबर्स के वो नेचुरल थे, तो उसमें हमारे कुछ लिमिटेड फाइबर्स ही होते थे, तो जिनसे हम कुछ लिमिटेड ही वस्त्र बना सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बनने लगे, मैनमेड फाइबर्स आने लगे, जिसमें फाइबर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उसी से हमारे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनने लगे। यानी कि जो अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं, फाइबर्स के द्वारा जब हम फैब्रिक्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई, यानी कि बहुत सारी वैरायटी आने लगी हमारे फैब्रिक्स में जो फाइबर्स होते हैं। तो जब कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति जब मार्केट में जाता है तो वस्त्र खरीदता है, तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही फाइबर्स का फैब्रिक चाहिए, क्योंकि आजकल मिक्सअप फाइबर्स को आपस में मिला करके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो उसमें ही एक ही वस्त्र में आपकी बहुत सारे फाइबर्स की क्वालिटी या बहुत सारी वैरायटी आ जाती है। तो उसमें कई बार, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फैब्रिक्स में वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा कई बार जो हमारे क्लॉथ सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतें आने लगती हैं। तो नई नई परिसंचय वस्त्रों पर में नई नई विशेषताएं उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो हमारी नई नई फिनिशिंग होती है, क्योंकि जब हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है वीविंग के द्वारा बहुत सारी मशीनों से होकर के निकलता है, तो वो गंदा हो जाता है, वो अपने प्राकृतिक रंग में नहीं रहता। तो बहुत सारी फिनिशिंग के द्वारा उन अशुद्धियों को रिमूव किया जाता है, वस्त्र में चमक लाई जाती है, वस्त्र को नया बनाया जाता है, या कई बार वस्त्र की जो वीविंग होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो फैब्रिक में कई प्रकार की फिनिशिंग के द्वारा उसमें फिनिशिंग के द्वारा वस्त्र को एक समान वीविंग बनाई जाती है या एक समान सैल्वेज बनाई जाती है। तो वस्त्र में बहुत सारी फिनिशिंग दी जाती है ताकि जो फैब्रिक है वो देखने में अच्छा और आकर्षक लगे, ताकि जो खरीदने वाला व्यक्ति है या पहनने वाला व्यक्ति है उसको खरीदने के लिए और ज़्यादा इच्छुक हो जाता है। क्योंकि वस्त्र में परिसज्जा ही एक ऐसा साधन है जो सामने वाले व्यक्ति को वस्त्र खरीदने के लिए मजबूर करती है, या वो अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है उस फैब्रिक को खरीदने के लिए, चाहे उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग्स क्यों ना हो, या फैब्रिक की क्वालिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है, इतनी अच्छी होती है, या उसमें डाई का इफ़ेक्ट हो, या जो फैब्रिक है फैब्रिक की जो सरफेस होती है यानी कि जो फैब्रिक का टेक्सचर है, टेक्सचर इफेक्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो व्यक्ति मतलब फैब्रिक को इस तरीके से बनाया जाता है अलग अलग फिनिशिंग के द्वारा, ताकि व्यक्ति उस फैब्रिक को या उस वस्त्र को खरीदना ज़रूर चाहेगा। तो यह सब तत्व किसी भी परिवार के परिधान के चयन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का गारमेंट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें अगर ये सारे बहुत सारे अगर आपके बहुत सारे तत्व या बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं
किसी भी वस्त्र का चयन करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसे परिधान का चुनाव करना चाहिए जो कि मौसम के उपयुक्त हो, अवसर के अनुरूप हो, उस दिन की संवेगात्मक आवश्यकता को पूर्ण करता हो, उसमें किए जाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता हो। यानी कि जो हम ऐसे वस्त्र का चयन करते हैं जो कि मौसम के उपयुक्त हो, यानी कि हम अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही वस्त्रों को ध्यान में रखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई गर्मियों के वस्त्र खरीदते हैं तो हम उसमें हम लाइट वेट कलर देखेंगे, यानी कि एक तो लाइट कलर को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं गर्मियों में। दूसरी चीज़ ये होती है कि कॉटन फैब्रिक्स का ज़्यादा डिमांड होती है गर्मियों में। तीसरी चीज़ ये होती है कि फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उसे पहनने में इंसान आराम फील कर सकता है या कंफर्टेबल फील कर सकता है या किसी भी काम को आसानी से वो कर सकता है। तो या जैसे कि सर्दियों में हम गर्म वस्त्रों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पहले टाइम में क्या होता था कि जो हमारे वूल फाइबर्स से बने फैब्रिक होते थे वो यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे वूल फाइबर्स के साथ साथ हमारे कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स भी ऐड किए जाते हैं उनमें, ताकि वे जो पहनने में अच्छे लगे, कंफर्टेबल हो, और जो उनका वेट होता है पहले वाले फैब्रिक्स के अकॉर्डिंग आज के जो गर्म वस्त्र आते हैं उनका वेट बहुत कम होता है और जो उनमें एक गर्मपन होता है, यानी कि ठंड से बचाव के लिए जो उसमें प्रॉपर्टी को ऐड किया जाता है या क्वालिटी डाली जाती है वो बहुत ज़्यादा ऐड की जाती है, ताकि सामने वाला व्यक्ति लाइट वेट फैब्रिक को देख करके या अपने मौसम के अनुसार उस वस्त्र को खरीदना चाहता है, या फिर अवसर के अनुसार वस्त्र हो कि जो भी हमारा अवसर है, या मान लीजिए कोई घर में शादी है, पार्टी है, बर्थडे है, या कहीं और जाना है, तो अवसर के अकॉर्डिंग भी हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए कि अगर हमें पार्टी वेयर ड्रेस खरीदनी है तो वो सुंदर हो, एम्ब्रॉयडरी हो, या उस पर ज़्यादा वर्क किया हो तो वो अच्छी लगती है। क्योंकि आप ऐसी ड्रेसेस नॉर्मल डेली यूज में नहीं अप्लाई करते, क्योंकि अगर आपके पास कोई ख़ास अवसर होता है तभी इन वस्त्रों का आप चयन करते हो। तो अवसर के अनुसार भी आप वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, या उस दिन की संवेगात्मकता की उस दिन की संवेगात्मकता क्या है। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई माहौल इस तरह का बना हुआ है कि मान लीजिए किसी की यहाँ डेथ हो जाती है तो आप ज़्यादा भड़कीले वस्त्र को मान नहीं सकते, तो वहाँ सोबर सिंपल वस्त्र पहनते हैं, तो उस दिन की संवेगात्मा को ध्यान में रखते हैं। या जो आपकी जो भी वस्त्र आपकी आवश्यकता को पूर्ण करता हो, यानी कि आपने जिस चीज़ के लिए वो वस्त्र खरीदा है, जिस चीज़ में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, पूर्ति होती है, उसी के अनुसार आप वस्त्र को खरीदते हैं। उसमें किए जाने वाले कार्य को आप ध्यान में रखते हैं कि मान लीजिए आपने फैब्रिक बहुत सॉरी गारमेंट आपने पहना है, लेकिन आपका जो गारमेंट है वो बहुत हैवी है, आप उसको पहन करके काम नहीं कर पाए, तो आप अपने कार्य के अनुसार ही उस फैब्रिक का या उस गारमेंट का चयन करते हो, ताकि जब आप कोई काम करते हो तो आपके जो वस्त्र हैं उस काम में बाधा उत्पन्न ना करें। आप इस तरह के वस्त्रों को पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप जिस भी कार्य के लिए आप उस वस्त्र को पहन रहे हैं वो कार्य आसानी से और अच्छे से हो जाता है, या आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप इस तरह के वस्त्रों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपका कार्य अच्छे से हो जाता है। क्योंकि देखिए कई बार हम ऐसे फैब्रिक्स का सिलेक्शन कर लेते हैं कि बाद में वो हमारे काम करने में बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं, या कई बार हमारे फैब्रिक जो हमारे गारमेंट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, लूज़ रहते हैं, तो जो प्रॉपर हमारा ध्यान होता है हमारे वस्त्र पर होता है, ना कि हमारे काम पर। या कई बार स्लीव्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी गारमेंट की स्लीव ज़्यादा लंबी है या उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप जो आपका काम है काम करने में वो चीज़ बाधा कर रही है, तो उसमें किए जाने वाले कार्य यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य के अनुसार ही वस्त्रों का सिलेक्शन करते हैं। और पर्याप्त स्वतंत्रता हो, यानी कि आप जब वस्त्रों का चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि हाँ हमें इस वस्त्र को खरीदना है, यानी पूरी स्वतंत्रता से आप उस वस्त्र को खरीदना चाहते हो, किसी के दबाव में या अपनी इच्छा के बिना वस्त्र को या अपनी रुचि के बिना वस्त्र को नहीं खरीदना चाहते। और
और जैसे कि वस्त्र ऐसे खरीदने चाहिए कि वो जो देखना है देखने में तो अच्छे लगते हैं या जो उनका आकर्षण है वो आकर्षण अपनी ओर, यानी वो वस्त्र इस तरह का हो कि सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ में वो आरामदायक भी हो, यानी कि जो वस्त्र पहना है वो पहनने में भी आरामदायक होता है, यानी कि आप उसको पहन करके कुछ कंफर्टेबल फील कर सकते हैं या आपको किसी भी तरीके से परेशानी उत्पन्न नहीं करते, और पहनने के लिए उपयुक्त स्थिति में हो। तो हमारे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जिनको ध्यान में रखते हुए हम वस्त्रों को पहनते हैं, तो जिसमें आता है हमारा आरोग्य संबंधी मूल्य, यानी कि हाइजेनिक वैल्यू को हम पॉइंट में ध्यान रखते हैं, क्लाइमेट यानी कि जो हमारा मौसम है किस मौसम के अनुसार हम वस्त्रों को पहनते हैं, या ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र का चुनाव यानी कि हम समर में किस तरह के, जो हमारा समर वेदर होता है सीज़न होता है उसमें किस तरह के वस्त्रों का चयन करते हैं, या फिर हमारा विंटर में हम किस प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।